सभी दर्शकों का पंजाब केसरी डॉट कॉम में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू आज 14 मई 2024 दिन मंगलवार है आज के पंचांग के अनुसार आज विक्रम संवंत दो के चैत्र कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है जो प्रातः चार बजकर उन्नीस मिनट तक रहेगी इसके बाद अष्टमी तिथि का आरंभ हो जाएगा आज एक बजकर पाँच मिनट तक पुष्य नक्षत्र है इसके बाद आश्लेषा नक्षत्र शुरू हो जाएगा आज सात बजकर पच्चीस मिनट तक गंड योग है इसके बाद वृद्धि योग की शुरुआत हो जाएगी आज तीन बजकर तीस मिनट तक गर्करण है इसके बाद चार बजकर उन्नीस मिनट तक वनिजकरण है और फिर विष्टिकरण की शुरुआत हो जाएगी आज चंद्रमा संपूर्ण दिन और रात्रि कर्क राशि में गोचर करेंगे आज सूर्योदय प्रातः पाँच बजकर पचास मिनट पर होगा आज सूर्यास्त शाम को छः बजकर छप्पन मिनट पर होगा आज चंद्रोदय ग्यारह बजकर ग्यारह मिनट पर होगा वहीं चंद्रस्त की बात करें तो बुधवार सुबह बारह बजकर तिरपन मिनट पर होगा आज अभिजीत मुहूर्त ग्यारह बजकर सत्तावन मिनट से शुरू होकर बारह बजकर उनचास मिनट तक रहेगा वहीं अमृतकाल की बात करें तो आज छः बजकर तेरह मिनट से सात बजकर छप्पन मिनट तक अमृतकाल रहेगा आज ब्रह्मा मुहूर्त सुबह चार बजकर तेरह मिनट से शुरू होकर पाँच बजकर एक मिनट तक रहेगा आज मंगलवार को राहु राहुकाल तीन बजकर उनतालीस मिनट से शुरू होकर पाँच बजकर अट्ठारह मिनट तक रहेगा आप सभी के लिए आज का सुविचार है कि दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती जो दोगे वही वापस लौट कर आएगा फिर चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा बिजनेस संबंधी यात्रा की बात करें तो आज आप पश्चिम या उत्तर दिशा की यात्रा कर सकते हैं पंचांग के बाद पहले बात करते हैं आज के वास्तु टिप्स की क्या वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई चमत्कार करते हैं मूलतः म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शुक्र के प्रतीक है और शुक्र को बृहस्पति जैसा ही शुभ ग्रह माना जाता है लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी जन्मांक चक्रों में शुक्र शुभ ग्रह ही हो क्योंकि तत्कालिक रूप से कुंडली में ग्रहों की शुभ या अशुभ होने की स्थितियां बदल जाती हैं इसीलिए जिन लोगों के जन्मांक चक्र में शुक्र शुभ ग्रह नहीं है उन्हें घर में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को रखने का कोई लाभ नहीं होगा लेकिन जिन प्रिय सज्जनों के जन्मांक चक्र में शुक्र शुभ है और योगकारी है वे अवश्य ही इन यत्रों को अपने घर में रखें और शुक्र के शुभ प्रभाव का जाप करें अब बात करते हैं आज के राशि फल की कौन सी राशि के लोगों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा और कौन सी राशि वालों को आज विशेष सावधानी रखने की जरूरत है चलिए इस पर नजर डालते हैं मेष राशि वाले लोगों को पीछे किए गए कार्यों का लाभ मिलेगा स्वास्थ्य में सुधार संभव है चंद्रमा की अनुकूलता का लाभ मिल सकता है अनावश्यक चिंताओं से कुछ हद तक छुटकारा मिल जाने से आज आप राहत का अनुभव कर पाएंगे आशा के अनुरूप समय व्यतीत होगा आप या तो अपनी नौकरी का स्थान बदल लेंगे या उच्च स्तर पर पदोन्नत हो जाएंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से स्थितियों में सुधार की उम्मीद की जा सकती है आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग है स्पेस ग्रे और आपका लकी नंबर साबित होगा छः भाग्य आज पिचासी प्रतिशत तक आपके पक्ष में है अच्छे परिणामों के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का उपाय करें वृषभ राशि वाले लोग मित्रों और परिचितों का साथ खुशी देगा सेहत में कुछ सुधार होने से राहत मिल सकती है विरोधी और शत्रु बहुत कोशिशों के बावजूद भी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएंगे रुपये पैसों की सहूलियत बनी रहने की उम्मीद रख सकते हैं इसके अलावा स्वास्थ्य और धन सब आपके अनुकूल रहेगा आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग है आइवरी और आपका लकी नंबर है अट्ठारह भाग्य आज उनासी प्रतिशत तक आपके साथ है अच्छे परिणामों के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करें मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए कोई शुभ समाचार प्राप्त होने की संभावनाएं बन सकती हैं समय आपके पक्ष का है इसीलिए आपको कई तरह की विशेष सहूलियतें भी मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान दें जो आपको परेशान कर सकती है इसीलिए अपनी दवाएँ समय पर लेते रहें आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग होगा नीला और आपका लकी नंबर होगा अट्ठाइस भाग्य आज नवासी प्रतिशत तक आपके पक्ष में है अच्छे परिणामों के लिए भगवान विष्णु जी की आराधना करें कर्क राशि वाले लोगों के लिए दोस्तों से सहयोग प्राप्त होगा मान सम्मान की प्राप्ति होगी किसी नए बिजनेस के संदर्भ में सकारात्मक चर्चा हो सकती है कुछ सुअवसर मिल जाने से आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना बन रही है काम में मन लगाना आपके लिए हितकारी साबित होगा पेशेवर जीवन में आपको वह खुशखबरी मिल सकती है जिसका आप इंतजार कर रहे थे आर्थिक रूप से कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले प्रतीक्षा करें आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग होगा नारंगी और आपका लकी नंबर साबित होगा ग्यारह भाग्य आज पैंसठ प्रतिशत तक आपका साथ देगा अच्छे परिणामों के लिए सूर्य देवता को जल अर्पित करें सिंह राशि वाले लोगों के लिए सहाय तक शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने की संभावना बन सकती है जरूरी है कि वाणी में संयम रखा जाए रुपये पैसों की दिक्कत बनी रहने से परेशानी हो सकती है स्वास्थ्य के लिहाज से सितारे भविष्यवाणी करते हैं कि परिस्थिति आपके पक्ष में होने की संभावना है सर्वोत्तम परिणामों के लिए अपने लहजे पर नियंत्रण रखें और आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करने से बचें आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग होगा गुलाबी और आपका लकी नंबर होगा 26 भाग्य आज पिचानवे प्रतिशत तक आपके पक्ष में है अच्छे परिणामों के लिए योग प्राणायाम का अभ्यास करें कन्या राशि वाले लोगों को अभी दो दिन तक सुधार की संभावना नहीं इसीलिए अपने नित्य कामों पर ही ध्यान लगाएं अव्यवस्था के कारण मन में खिन्नता उत्पन्न होगी बिजनेस में सफलता मिल सकती है दिन बहुत अच्छा नहीं है स्वास्थ्य संबंधी उन समस्याओं पर नजर रखें जो आज समस्या बन सकती है आर्थिक रूप से अच्छी खबर है क्योंकि आपको वृद्धि देखने को मिलेगी आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग होगा पीला और आपका लकी नंबर होगा पांच भाग्य आज चौहत्तर प्रतिशत तक आपका साथ देगा अच्छे परिणामों के लिए जरूरतमंद लोगों की मदद करें तुला राशि वाले लोगों को जरूर कोई परेशानी वाली बात सामने आएगी अपने प्रयासों में तेजी लाएं तो कोई बड़ा बिजनेस एग्रीमेंट हो सकता है चिंताओं से मुक्ति मिलने की संभावना आज नहीं है समय में सुधार होने से लोग आपकी सहायता को खुद ब खुद हाथ आगे बढ़ाएंगे मनोदशा के मामले में आपके घुसेल होने की संभावना है इसीलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप शांत रहें और खुद को तनाव देने से बचें किसी नए प्रोजेक्ट से धन आने की आपकी वित्तीय स्थिति में अस्थायी रूप से सुधार होने की संभावनाएं है भी हैं आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग होगा हरा और आपका लकी नंबर साबित होगा पंद्रह भाग्य आज नब्बे प्रतिशत तक आपके पक्ष में है अच्छे परिणामों के लिए गणेश जी की पूजा आराधना करें वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए कहीं पर्यटन की योजना बन सकती है घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य होने से खुशी का माहौल रहेगा धार्मिक स्थल की यात्रा संभव है परिवार में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा आप लंबे समय से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अब उसका फल मिलने का समय आ गया है आपके स्वास्थ्य और वित्तीय संभावनाएं अच्छी दिख रही हैं आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग होगा एक्वा व ब्लू और आपका लकी नंबर होगा तेईस भाग्य सत्तर प्रतिशत तक आज आपके पक्ष में है अच्छे परिणामों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें धनु राशि वाले लोग दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप करने से बचें परिवार के साथ प्रसन्नता से दिन व्यतीत करने का अवसर मिल सकता है व्यापार में कोई नया अनुबंध आ सकता है जो आगे आपको लाभ देगा आपके व्यक्तिगत तो और व्यवसायिक जीवन में स्थितियों में सुधार होने की संभावना है यही बात आपके वित्तीय और व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर भी लागू होती है आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग होगा सेज ग्रीन और आपका लकी नंबर होगा छे भाग्य पिचहत्तर प्रतिशत तक आज आपके पक्ष में है अच्छे परिणामों के लिए हनुमान जी की पूजा करें मकर राशि वाले लोगों के लिए यदि जन्मांग में विषोरी दशा भी प्रतिकूल है तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है आपके नाम राशि से चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहा जाएगा इसीलिए थोड़ी और कोशिश करने की जरूरत है सहज ही कुछ आपको प्राप्त नहीं होगा ये सावधानी बरतने का दिन है और आपको किसी भी कागजी काम में सावधानी बरतनी चाहिए स्वास्थ्य के लिहाज से स्थिति आपके पक्ष में रहने की संभावना है आज आपको कुछ आर्थिक लाभ देखने को मिल सकता है नब्बे प्रतिशत तक आपके पक्ष में है अच्छे परिणामों के लिए सुंदरकांड का पाठ करें कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हालांकि गोचर ग्रह आपके पक्ष के नहीं है फिर भी ले देकर आप अपना कार्य सिद्ध कर पाएंगे जीवन की सहजता के लिए और अधिक परिश्रम की आवश्यकता दिखाई देती है क्योंकि किसी से सहयोग की अपेक्षा नहीं रखे संभावना है कि आपको फोन कॉल पर आज कोई आश्चर्यजनक खुशखबरी मिल जाए कुल मिलाकर ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती है आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग है हॉट पिंक और लकी नंबर साबित होगा 26। भाग्य आज इक्यासी प्रतिशत तक आपका साथ देगा अच्छे परिणामों के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें मीन राशि वाले लोगों के लिए केवल अपने प्रयासों में तेजी दिखाने की आवश्यकता है क्योंकि गोचर ग्रह आपके पक्ष के हैं प्रेम प्रसंगों और रिश्तों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा अविवाहित लोगों को कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है हालांकि विरोधी ग्रह का नक्षत्र होने से थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा शांत रहें और किसी के प्रति अहित की भावना न रखें आज आपको कुछ आर्थिक लाभ देखने को मिल सकता है स्वास्थ्य के लिहाज से सुनिश्चित करें कि आप अपनी दवाएं लेते रहें आज के लिए आपका भाग्यशाली रंग होगा अर्थ ग्रीन और आपका लकी नंबर साबित होगा 20. भाग्य आज में प्रतिशत तक आपके पक्ष में है अच्छे परिणामों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें आज के राशिफल में बस इतना ही अगर आपके मन में आज के राशिफल से जुड़ी कोई भी शंकाएं हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रही पंजाब के साथ